एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे लिथोसिन एसआर टैबलेट। साथियों, लिथोसिन एसआर टैबलेट जो है साथियों 10 टैबलेट की स्ट्रिप है। साथियों, 57.50 रुपये है इसकी MRP है। सन फार्मा कंपनी का ये टैबलेट है, लिथोसिन एसआर टैबलेट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस, बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क लिथोसिन एसआर टैबलेट। साथ ही साथ इसमें जो है ड्रग इंट्रैक्शन की बात करेंगे, वार्निंग, प्रिकॉशन, MRP की बात करेंगे। साथियों, लिथोसिन एसआर टैबलेट जो है मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, मतलब मूड स्टेबलाइजिंग क्लास की यह दवा है। कहने का मतलब है मूड को ठीक करने की यह दवा है। साथियों, लिथोसिन एसआर टैबलेट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। साथियों, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि मतलब जो है एक तरह से मानसिक विकार कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आदमी क्षणिक उत्तेजित हो जाता है, क्षणिक जो है वो एकदम सुस्त हो जाता है। तो ये मानसिक बीमारी है साथियों, मैनिया। और ये जो है क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिया जो है बीमारी एडल्ट में हो जाती है, उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। एंड इट इज समटाइम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर बिहेवियर डिसऑर्डर। डॉक्टर अपने विवेक से जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसे पेशेंट के जो है बिहेवियर में किसी तरह के चेंजेस होते हैं। एंड इट रिड्यूस द फ्रीक्वेंस ऑफ मैनिया एपिसोड्स। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज द इंटेंसिटी दोज एपिसोड माइट बी अकर्स। कहने का मतलब है क्षणिक मूड अपसेट होता है, सुस्ती आ जाती है, उदासी आ जाती है, तो मूड को रिफ्रेश करने की भी ये दवा है। साथियों, लिथोसिन एसआर टैबलेट जो कंपोजिशन है लिथियम कार्बोनेट 400 mg प्रोलॉन्ग रिलीज इसके अंदर होता है। कहने का मतलब है जो केमिकल नेम है उसको नाम है लिथियम कार्बोनेट 400 mg। यूजेस, बेनिफिट की बात करेंगे साथियों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, मैनिक डिप्रेशन, कहने का मतलब है तनाव, थकान, दबाव, डिप्रेशन, हेजिटेशन, चिंता, तो मैनिक एक लक्षण हो जाते हैं उसमें इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ मैनिया होता क्या है साथियों, इसमें क्या होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है मरीज, और इसमें मूड जो है एलिवेट हो जाता है, मतलब अग्रेसिव हो जाता है। तो इस तरह की समस्या को जो है मैनिया डिप्रेशन भी कहते हैं एंड मैनिया डिसऑर्डर भी कहते हैं। साथियों, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है कि उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह की दिमागी जो है बीमारी है, एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं कि पागलपन तो नहीं होता है लेकिन उसकी तरह के कुछ लक्षण होते हैं, अजीब सा बिहेवियर करने लगता है पेशेंट, तो ऐसे केस में जो है लिथोसिन एसआर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। साथियों, बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे। ये क्या करता है कि लिथोसिन बाइपोलर डिसऑर्डर में कैसे वर्क करता है, ये वर्क ऑन रीस्टोर द नॉर्मल बैलेंस ऑफ नर्व एक्टिविटी। जो मतलब नर्व्स के अंदर, ब्रेन के अंदर एक्साइटमेंट होता है उसको नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। एंड इट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सट्रीम चेंजेस इन मूड, और जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं उसको मतलब नॉर्मल उसमें लाता है। एंड हेल्प यू फील लेस एक्साइटमेंट, और उससे क्या होता है कि एक्साइटमेंट जो है कम कर देती है ये दवा। साथियों, इसको खाने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभार इसको खाने से जो है लॉन्ग टर्म एक्ने पिंपल्स निकल आते हैं पेशेंट के, और हेयर गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, स्किन रैशेस पड़ते हैं, और वेट, इसको खाने से वेट बहुत बढ़ जाता है साथियों। तो इस तरह के कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं। वर्क साथियों ये कैसे करता है, कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो लिथोसिन एसआर टैबलेट वर्क बाय सुप्रेसिंग द एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द नर्व्स सेल्स। नर्व सेल्स में जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी होने लगती है, हरकतें होने लगती हैं, उनको जो है क्या होता है शांत करता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो एक्साइटमेंट होने लगता है और नर्व्स के अंदर जो मतलब उत्तेजना या एबनॉर्मल, कहने का मतलब है जिनका कोई काज नहीं है या एक्सेसिव एक्टिविटी होती है, उनको शांत करके वापस पुनः उसी पोजीशन में लाना जो है ये उसमें दवाई का काम आता है, इस तरह से वर्क करती है। साथियों, डोज एंड डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे,
तो डॉक्टर अपने विवेक से जो है बीमारी के हिसाब से इसकी डोज लिखते हैं। अदरवाइज मैनिया अगर किसी को है तो डिपेंड करता है कि लक्षण कैसे हैं, वंस ए डे दिया जाता है, अदरवाइज वन टैबलेट मॉर्निंग एंड वन टैबलेट इवनिंग। कहने का मतलब वीडी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को या न्यूरोसाइकेट्रिक न्यूरोफिजिशियन को दिखाते हैं, अगर कोई पहले से दवाई खाते हैं, बीमारी है, तो जरूर बजा दें, क्योंकि बहुत सी दवाइयों का इंट्रक्शन है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लो, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी की दवा खाते हैं तो उसके साथ इसका जो इंट्रक्शन होने के चांस है, या क्लोनाजीपाम खाते हैं, या फिनटोइन अगर खाते हैं, या फिर मेट्रोनाइडा जो फ्लुएक्सटीन, तो उसके साथ इसका सेवन ना करें। साथियों, वार्निंग प्रिकॉशन की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं इस दवाई का सेवन नहीं करेंगी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं करेंगी, क्योंकि मिल्क के जरिए बच्चे में जा सकता है, ड्राइविंग अगर करते हैं या हैवी मशीनरी चलाते हैं तब इसको नहीं, और एल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ इसका सेवन नहीं करना है, या फिर किडनी इम्पायर्ड फंक्शन है या लीवर इम्पायर्ड फंक्शन है तो उसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है। साथियों, लिथोसन एसआर टैबलेट मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी की जो है टैबलेट है, 57.50 रुपये की है, सन फार्मा कंपनी की ये दवाई है, सभी केमिस्ट की दुकान पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आसानी से मिल जाती है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। साथियों, नमस्कार।